सारे फोटोग्राफर फोटो लेकर बैठ जाए, ऐसे ही खड़ा रहने वालों नया कुछ नहीं है। फोटो लेकर बैठ जाइए, जरा बैठ जाओ भैया, जो फोटो लेना है वो लेकर, और जो पीछे बीच में खड़े हैं गैलरी में वो भी जरा बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। यहां पर भी सारे लोग बैठ जाए, जरा प्लीज बैठ जाइए, थोड़ी देर जमीन से जुड़ जाओगे तो तकलीफ नहीं आएगी, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए भैया आप भी। पीछे भी बैठ जाओ भाई सब लोग। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान श्याम जाजू जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान के डायरेक्टर और मेरे मित्र श्रीमान अनिर्बान गांगुली जी, और आज इस मावलंकर सभागृह के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज ट्रिपल तलाक ये विषय पर मेरे विचार रखने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। ट्रिपल तलाक पर कई बार कई फोरम में मेरा बोलना हुआ है, मगर आज तक ट्रिपल तलाक की कुप्रथा पर बोला, थोड़े समय पहले ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस और विधेयक पर बोला, मगर आज बहुत अच्छा लगा रहा है कि ट्रिपल तलाक कानून पर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कानून आज पारित हो गया है। कानून ट्रिपल तलाक ये सर्वविदित है, किस देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए एक दुस्वप्न जैसी ये प्रथा थी, उनको अपने अधिकारों से वंचित रखने की प्रथा थी। मानव नाते ईश्वर दत्त प्रभु ने जो उनको समानता का अधिकार दिया है उससे दूर रखने वाली ये प्रथा थी, ये कुप्रथा थी। इसमें किसी को किसी के मन में संदेह नहीं, जो ट्रिपल तलाक के पक्ष में खड़े हैं उनके मन में भी संदेह नहीं है, और ट्रिपल तलाक बिल के कानून के विरोध में खड़े हैं उनके मन में भी संदेह नहीं। मैं विरोध शब्द का जब प्रयोग करता हूं तब मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक कानून का कई राजनीतिक दलों ने संसद के फ्लोर पर विरोध किया है, मगर मैं मानता हूं कि वो भी अपने मन के अंदर जानते हैं कि कुप्रथा है, इसको जितनी जल्द हटानी चाहिए हटा देनी चाहिए, मगर उनमें वो साहस नहीं। और इसी का कारण था कि ये कुप्रथा इतने सालों तक चली, और मैं कानून के ऊपर आने के पहले, कानून बनाने के कारण और एक कुप्रथा को हटाने के कारण पर आने के पहले थोड़ी पृष्ठभूमि रखना जरूर चाहता हूं कि क्यों इस प्रकार का कानून लाने में इतनी देर लगी, क्यों देश की सर्वोच्च अदालत ने इंटरवीन करना पड़ा। हमारी समाज रचना के अंदर, हमारी राजनीतिक क्षेत्र की परिस्थिति के अंदर और हमारे राजनीतिक विचारधारा प्रवाह के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो हमें रोकती थी। मैं इस विषय पर आप सबको जरूर बात करना चाहता हूं। कोई भी कुप्रथा हो, कोई भी सामाजिक दूषण हो, उसको जब निर्मूल करते हैं तो समाज में विरोध नहीं होता है, उसका स्वागत होता है, परंतु ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को, इस सामाजिक दूषण को
करोड़ों माताओं बहनों को अन्याय करने वाले इस रिवाज को हटाने के लिए इतना विरोध, इतना आंदोलन क्यों हुए? उसके पीछे एक तुष्टीकरण का भाव और तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। आजादी के पहले ही भारत को टूटते हुए बचाने के लिए तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण ही भारत को टूटने का कारण बना। और आजादी के बाद 60 के दशक के बाद ये तुष्टीकरण धीरे 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 वोट बैंक निर्मित करने का एक जरिया बना और वोट बैंक के आधार पर अपनी सत्ता को बचा रखना, वोट बैंक के आधार पर दूसरी बार सत्ता पर आना, सालों साल सत्ता पर आना, इसकी आदत जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियों को पड़ गई और इसी के कारण ऐसी कुप्रथाएं चलती रही। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ने इस देश का कई दृष्टि से नुकसान किया। ट्रिपल तलाक तो उसका एक उदाहरण है। इस देश के सम विकास के आड़े भी ये तुष्टीकरण की राजनीति आई है। इस देश के सामाजिक समरसता के आड़े भी तुष्टीकरण की राजनीति आई है। इस देश के हर नागरिक के अंदर, अपने मन के अंदर देश को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने की देशभक्ति जगाने के बीच में भी ये तुष्टीकरण की राजनीति आई है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है जो इतने साल तक ये कुप्रथा को भारत के लोगों पर थोपा गया। इसके पक्ष में बात करने वाले कई सारे तर्क देते हैं, मैं एक एक करके उस तर्क के बारे में भी बताऊंगा, मगर उसका मूल कारण है वोट बैंक की राजनीति और शॉर्टकट लेकर सत्ता प्राप्त करने की पॉलिटिक्स। जब आप समाज का पूरे समाज का विकास की कल्पना लेकर जाते हो तब परिश्रम करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, इसके लिए आपके मन के अंदर संवेदना चाहिए, वोटों की लालच नहीं चाहिए। अब जब जिनके मन में वोटों की लालच है, सत्ता की भूख है, लोगों के लिए संवेदना नहीं है, वो तुष्टीकरण जैसे शॉर्टकट को अपनाते हैं। देश का सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास करने के लिए कोई प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी तय है। जो अभाव में जी रहा है चाहे किसी भी धर्म का हो, जो गरीब है चाहे किसी भी धर्म का हो, जो पिछड़ा है चाहे किसी भी धर्म का हो, विकास की दौड़ में जो पिछड़ गया है उसको ऊपर उठाओ, अपने आप समाज सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास के रास्ते पर चल जाएगा। इसके लिए कोई तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है। गरीब गरीब होता है, पिछड़ा पिछड़ा होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, इसकी गरीबी ही उसको विकास के लाइन में सबसे आगे खड़े रखने के लिए पात्र बना देती है, इसका धर्म नहीं बनाता है। परंतु ये जो राजनीति 60 के दशक के बाद कांग्रेस ने शुरू की और बाकी सब पार्टियों ने धीरे धीरे इसका अनुकरण चालू करा, इसने हमारे देश के राष्ट्र जीवन को भी बड़ा असर पहुंचाया है, हमारे देश के लोकतंत्र को भी बड़ा असर पहुंचाया है, हमारे समाज के देश के समाज जीवन को भी बड़ा असर पहुंचाया है और देश के गरीबों के उत्थान को भी बड़ा असर पहुंचाया है। तो मूलतः तो मूल आघात करने की जरूरत है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स पर। और मैं मानता हूं 2014 में इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर तुष्टीकरण की राजनीति के अंत की शुरुआत की। और बगैर तुष्टीकरण, सम विकास, सर्वस्पर्शीय विकास, सर्वसमावेशक विकास के आधार पर ये सरकार 5 साल चली, इसी लोकतंत्र के दायरे में रहकर चुनाव लड़ा गया और 5 साल के ये सम विकास की थियोरी को, नरेंद्र मोदी जी की सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की थियोरी को 2019 में थप्पा लगाकर तुष्टीकरण को हमेशा के लिए देश से मुक्त करने के लिए इस देश की जनता ने दोबारा मैंडेट। और आज दोबारा मैंडेट लेने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई है और उसी बहुमत के आधार पर
ट्रिपल तलाक के दूषण को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दुहाई देते हैं कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम शरीयत का अंग है, हमारे धर्म के रीति रिवाजों के अंदर आप दखल मत करिए। मैं आज यहां कहना चाहता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मोरक्को, ट्यूनेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट, लंका, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, सूडान, सीरिया और मलेशिया, 19 देशों के मैं नाम बोला हूं, उसमें से 16 देश घोषित रूप से इस्लामिक देश हैं, घोषित रूप से इस्लामिक। और ये 16 देशों ने 1922 से लेकर 1963 तक, 1922 से लेकर 1963 तक अलग अलग समय पर ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम पहले ही कर दिया है। 1963 मतलब 56 साल पहले ये काम हुआ, हमें 56 साल लगे काम करने के लिए, उसका मुख्य कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति थी। और अगर ये शरीयत का हिस्सा होता, इस्लामिक संस्कृति का हिस्सा होता, तो इतने सारे श्रीलंका छोड़कर सारे इस्लामिक देश, 18 इस्लामिक देशों ने उसको हटा दिया, वो क्यों हटाते भला? इस्लाम के खिलाफ जो काम है वो क्यों करते? यही बताता है कि ये गैर इस्लामिक है, इसको कुरान का समर्थन प्राप्त नहीं है। और ये सारे देशों को हटाने के बाद भी भारत में 2019 में जब दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनी, तब जाकर ये ट्रिपल तलाक के दूषण से देश की मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिली। मित्रों, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 5.5 साल के अपने कालखंड के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय, कुछ सरकारें 25-30 साल चलती है तो 4-5 ऐतिहासिक निर्णय करती है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 25 से ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय कर इस देश की दिशा बदलने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक। कई लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर, कि हमने ये काम जो किया है वो मुस्लिम विरोधी काम। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक केवल और केवल मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है, किसी के फायदे के लिए है तो मुस्लिम समाज, इसे को हिंदू, ईसाई, जैन को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको तो ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना सहनी ही नहीं पड़ती। ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना मुस्लिम समाज की आबादी के 50% मतलब सभी मुस्लिम बहनों और माताओं को सहनी पड़ती है, ये उनके फायदे के लिए है। उनको, नारी को ईश्वर ने जो अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, वो अधिकार उसको प्राप्त हो, इसलिए ट्रिपल तलाक लेकर आए। और आज भी अगर हम नहीं लेकर आते हैं तो दुनिया के सामने, मैं मानता हूं कि भारत की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता अगर आज भी हम न करते तो। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई आज की है, एक कुप्रथा के सामने मुस्लिम बहनों ने, मुस्लिम माताओं ने बहुत सालों से अपनी लड़ाई चालू करी थी। एक ऐतिहासिक साहबानों केस आया, इंदौर की रहने वाली साहबानों, उनको ट्रिपल तलाक दे दिया गया। साहबानों जिन्हें न्यायिक मैजिस्ट्रेट से लेकर हाईकोर्ट तक और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक अपने मेंटेनेंस के लिए एक न्याय की लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 1985 के दिन, 1985 23 अप्रैल को चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उसकी खंडपीठ ने साहबानों के पक्ष में फैसला दिया और एक ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। सब आशा करते थे, चलो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकार इसको आगे बढ़ाएगी, ट्रिपल तलाक को एबोलिश कर दिया सुप्रीम कोर्ट, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तलाक देना है
डायवोर्स लेना है तो उसके कारण देने पड़ेंगे, इस साहबानो केस ने स्पष्ट कर दिया। मगर उस वक्त सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार थी देश में, श्री राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री लगभग लगभग 400 के बहुमत के साथ संसद के अंदर शासन कर रहे थे, और वो दिन संसद के इतिहास में एक काला दिन माना जाएगा कि मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले लोगों के और वोट बैंक के दबाव में आकर राजीव गांधी ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर मुस्लिम महिलाओं को फिर से एक बार ट्रिपल तलाक के दूषण को उनके पर थोप दिया। और आज भी कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग सेम सेम कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी को आज भी शेम नहीं है, उनको जरा भी संकोच नहीं है, वो निसंकोच कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं, ये रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं देते। जब हमारे मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद बिल लेकर आए, उन्होंने पूछा, अरे भैया बताओ कि क्यों रहना चाहिए कानून, इससे मुस्लिम महिलाओं का भला किस प्रकार से है, कोई तर्क दे दे, हम मानेंगे, हम खुले मन के साथ आए, एक जस्टिफिकेशन तो दे दो। जस्टिफिकेशन नहीं देना, इधर की दलील उधर की दलील कर इसका विरोध करना और ये विरोध दर्ज करा देना जिससे हम अपनी वोट बैंक को संभाल कर रहे। मैं आज याद करना चाहूंगा आरिफ मोहम्मद खान को और उनको मन से सभी की ओर से धन्यवाद भी देना। एक बंदा ऐसा था राजीव गांधी की सरकार में जिसने इस्तीफा दे दिया खुद मुसलमान होने के बावजूद, और उसने कहा करोड़ों मुस्लिम बहनों के साथ, करोड़ों मुस्लिम माताओं के साथ यह अन्याय है, और आरिफ मोहम्मद खान ने सत्ता छोड़कर ट्रिपल तलाक का विरोध करने का काम किया था। और आज भी जब भी आरिफ मोहम्मद खान ट्रिपल तलाक का मामला आता है मुखर कर बोलते हैं, और उस वक्त पूरी दुनिया ने देख लिया, लिबरल सेक्युलर वामपंथी अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग कैसे रूढ़िवादी लोगों से डरते हैं और रूढ़िवाद का कैसे समर्थन करते हैं। उसके बाद ये लड़ाई चलती रही चलती रही चलती रही। एक सायरा बानो, उसने अक्टूबर 15 में स्पीड पोस्ट से, सायरा बानो के पति ने उनको ट्रिपल तलाक दे दिया स्पीड पोस्ट से, कोई बातचीत भी नहीं, स्पीड पोस्ट के साथ। इसके खिलाफ सायरा बानो ने कोर्ट में केस किया, चलते 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 ये मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पास आया और तीन तलाक के लिए इस पर निर्णय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक खंडपीठ की रचना की, और संवैधानिक खंडपीठ ने 3-2 के बहुमत के साथ ट्रिपल तलाक को गैर इस्लामिक और गैर संवैधानिक घोषित कर फिर से एक बार एक नई शुरुआत करी। सबको लगता था कि इस बार भी सायरा बानो बिचारी लड़ी, संघर्ष करा, झगड़ी, कटमूलों का विरोध सहन करना पड़ा, कट्टरवादियों का विरोध सहन करना पड़ा, क्या होगा, इसका क्या फायदा, कौन सरकार करेगी। मगर इस बार परिस्थिति बदली थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। इस बार तय किया सरकार ने कि हम एक कुप्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे, और उसी वक्त कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव हुआ और तलाकुल बिद्दत को हमेशा के लिए समाप्त करने का निर्णय किया गया। मगर रास्ता इतना आसान नहीं था, बिल लेकर मोदी सरकार आई संसद के सामने और बिल के अंदर इसकी प्रस्तावना में बहुत तरीके से उन्होंने लिखा था, क्योंकि प्रस्तावना हम ऐसा मानते हैं कि सब लोग मान पढ़ते हैं, इसके अंदर किया था, कहा गया कि 5 जजों ने कहा है कि 3 तलाक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। नरीमान और श्री ललित दोनों ने कहा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिटरी एंड वॉइड। जज कुरियन साहब ने कहा इफ इट इज सीन इन कुरान
हाउ इट कैन बी लीगल इन लॉ। अगर कुरान के अंदर पाप है तो कानून के अंदर कैसे वो सत्य हो सकता है। और अल्टीमेटली 3-2 के बहुमत के साथ ये निर्णय दिया गया कि ट्रिपल तलाक गैर संवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है। ये सारी पृष्ठभूमि रखते हुए बिल लोकसभा में आया, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत था, लोकसभा में पारित हो गया। राज्यसभा के अंदर कांग्रेस का बहुमत था, एक बार वापिस भेजा गया। वापिस भेजने के बाद, गिराने के बाद फिर से नरेंद्र मोदी सरकार दृढ़ता के साथ ऑर्डिनेंस लेकर आई और ऑर्डिनेंस को फिर से कानून के रूप में चलाया रखा। लोकसभा में फिर से पारित हुआ, फिर से राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं था, ये रुक गया। और अध्यादेश को भी कानून में परिवर्तित करने के लिए नहीं करा गया। और उसके बाद दोबारा चुनकर आए मोदी जी, फिर से प्रधानमंत्री बने, फिर से कैबिनेट के अंदर इस अध्यादेश को कानून का स्वरूप देने के लिए विधेयक लेकर आए और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने कानून पारित कर एक कुप्रथा को हमेशा के लिए इसका अंत करने का काम। यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही इसके फैसले थे। मगर एक सरकार थी जिसने इसको स्वीकार नहीं किया और एक सरकार देश की जनता ने ऐसी चुनी मोदी जी के नेतृत्व में, इसने कहा कि हम वोट बैंक की राजनीति के अंदर नहीं मानते हैं, करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए हम इस ट्रिपल तलाक को खारिज करते हैं। और अल्टीमेटली ये आज पारित किया गया है और आज इसके बारे में मैं आपके सामने आया हूं। जब ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में लोकसभा में चर्चा होती थी, मैं दोनों चर्चाओं के अंदर पूरा समय लोकसभा और राज्यसभा में बैठा। इनके विरोध करने वाले की खोखली दलीलें मैंने सुनी हैं और मैं आज इस मंच के माध्यम से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास के माध्यम से खोखली दलीलों का जवाब देने के लिए इस सभागार के अंदर आया हूं कि आपकी दलीलें खोखली। सबसे पहले उन्होंने कहा क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए, ये तो सिविल लॉ है, क्यों इसको क्रिमिनल बना रहे हो। और ओवैसी जी ने तो थोड़ा उससे 2 कदम आगे गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मैरिज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे क्रिमिनल पनिशमेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं उनको उदाहरण देना चाहता हूं कि बहुत सारे सामाजिक सुधार के कामों को पहले क्रिमिनल किया गया है, क्रिमिनल सजा इसके लिए तय की है। और वो कहते थे इन्होंने ये मामले को पूरा एक कम्युनल रंग देने का भी प्रयास किया कि बाकी सब समाजों में सुधार क्यों नहीं होते, हिंदुओं के रीति रिवाज में सुधार नहीं होते। मैं आज उनको कहना चाहता हूं इस देश ने सती प्रथा को नाबूद किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, किसके घृणित कोई कदम नहीं हो सकता। प्रतिबंध लगाया हमने सती प्रथा, कोई नहीं बोला। हमने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, कोई नहीं बोला। और बाल विवाह के तहत 2 साल की सजा है, ये भी सामाजिक दूषण को निकालने के लिए का एक कानून है जिसमें बच्ची की उम्र और बच्चे की उम्र तय कर दी गई है कि पति की उम्र 21 से कम नहीं होनी चाहिए और बेटी की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई उल्लंघन करता है तो माता पिता समेत शादी कराने वाले पंडित को भी 2 साल की सजा का प्रावधान किया है। तो ये क्यों करा है भाई, ये सामाजिक सुधार हमने तो स्वीकार कर लिया। एक पत्नी है और दूसरी पत्नी की शादी करोगे तो उसको भी अवैध माना गया, 7 साल की सजा रखी है उसके लिए, यह भी सिविल कानून में क्रिमिनल प्रोविजन किया है। दौरी दहेज सब जानते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं कि दहेज और सती प्रथा एक कुरिवाज थे, उसको खत्म करने चाहिए, हमें कोई शर्म नहीं। समाज के
जीवन के साथ साथ कुछ कुप्रथाएं रीति रिवाज समाज के रीति रिवाजों के अंग बन जाते, उसको बदलेंगे नहीं क्या? उसको बदलना चाहिए। अगर समय के साथ साथ समय पानी समाज बदलता नहीं है तो एक गंदे तालाब जैसा बन जाता है, और समय के साथ बदलने वाला समाज निर्मल गंगा जैसा बनकर और सालों तक लोगों की सेवा करता है। कुप्रथाओं का अंत आना चाहिए। दहेज का कानून 1961 में लाया गया, उसमें लेने और देने दोनों के लिए 5 साल की सजा की, और दहेज की सिर्फ डिमांड करने वाले, ट्रांजेक्शन न हो, सिर्फ डिमांड करने वाले पर 2 साल की सजा की, और नॉन बेलेबल उसको बाद में बनाया, नॉन कंपाउंडेबल भी बना दिया, ये भी एक सिविल एक्ट के अंदर हमने बदल किया। ढेर सारे क्रिश्चियन कानूनों के अंदर, सिख कानूनों के अंदर, हिंदू कानूनों के अंदर ढेर सारी जगह पे क्रिमिनल सजा का प्रोविजन हमने किया है। और ये कह रहे थे कि क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए, मुझे एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया, उसके बाद भी ट्रिपल तलाक हो रहे थे, इसका मतलब क्या था? ट्रिपल तलाक तो गैर कानूनी हो गया था, फिर ट्रिपल तलाक होते थे तो उसको रोकना कैसे? और दलील दे रहे थे कि भाई क्रिमिनल बनाओगे तो रुक जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मगर आपकी दलील को एक्सेप्ट कर ले तो हत्या करने के लिए सजा रखी है, हत्याएं नहीं रुकती है तो हत्या करने की सजा उठा ले क्या? चोरी करने के लिए 6 महीने की सजा है, 6 साल की सजा है, चोरी रुकती नहीं है तो इसको उठा ले क्या? ये कानून शिक्षात्मक नहीं है, शिक्षणात्मक है, लोगों का एजुकेशन करने के लिए। लोगों के पर एक भय रहेगा कि करोगे तो मुझे सजा होगी, आस पास में लड़की के माँ बाप, लड़की के भाई, हस्बैंड के माँ बाप, दूल्हे के माँ बाप, उसके भाई बहन सब मिलकर बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे और फिर से उनका लग्न जीवन शुरू होगा। इसलिए कानून है, किसी के लग्न को तोड़ने के लिए नहीं, किसी के मैरिज को तोड़ने के लिए कानून नहीं है। मगर आप जो आर्ग्यूमेंट करते हो, इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, और कहते हैं कि जेल में जाएगा तो वो जो महिला है, मुस्लिम महिला, उसका मेंटेनेंस कौन देगा? मुझे तो हंसी आती है, गुलाम नबी साहब खुद मुस्लिम है और ऐसी आर्ग्यूमेंट कर, उनको मालूम नहीं है ट्रिपल तलाक में मेंटेनेंस का प्रोविजन ही नहीं है। अगर ट्रिपल तलाक दिया तो मेंटेनेंस देना ही नहीं, आप प्रोविजन मेंटेनेंस की कहां बात करते हो? मेंटेनेंस तो अब देना पड़ेगा क्योंकि हम कानून ट्रिपल तलाक को गए वैलिड नहीं किए। क्या आर्ग्यूमेंट रखते हैं? और कुरान और शरीयत के हवाले दिए। कुरान और शरीयत के हवाले देने के पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ये पढ़ लिया होगा, तो मुझे लगता है कि इनको कभी भी ऐसा बोलने की उनकी आत्मा भी इजाजत नहीं देगी। कुरान और शरीयत का संपूर्ण आर्ग्यूमेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला दिया है कि ट्रिपल तलाक गैर संवैधानिक भी है और गैर इस्लामिक भी है, और इस्लाम के अंदर ये पाप है, और ये भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा बच्चों का क्या होगा? आज बच्चों का क्या होता है? किसी बहन को रोड पर आप ट्रिपल तलाक कह देते हो, व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक कह देते हो, स्पीड पोस्ट से ट्रिपल तलाक कह देते हो, घर से निकाल देते हो, जो रोटी जल गई है, तुम मोटी हो गई हो, इस प्रकार के भद्दे और बेहूदे कानून कारण देकर आप ट्रिपल तलाक दे देते हो, तो उनके बच्चों का क्या होता है? और ट्रिपल तलाक जब एबोलिश करने के लिए बिल आता है तब बच्चों की याद आती है। मैं बताना चाहता हूं ये सारे विरोध करने वाले को, अब बच्चों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी हस्बैंड की है, पति की है, ट्रिपल तलाक के बाद उसको उसने उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इसका दुरुपयोग होगा। तो हमने सुधार कर लिया कि भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, या तो वो महिला जो पीड़ित है वो केस कर सकती है, या तो उसके सीधे ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं वो ही केस कर सकते हैं, उसके बाद में दुरुपयोग की बात कहां रही?
और बेल के लिए भी कहा कि जब तक महिला को सुनवाई नहीं होगी बेल नहीं मिलेगा। और मैं मानता हूं इसको ना मुस्लिम महिला, उनको ना मुस्लिम महिलाओं की चिंता है ना मुस्लिम महिला के बच्चों की चिंता है, उनको केवल और केवल अपने वोट बैंक की चिंता है, इसलिए ये लोग ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे हैं। मैंने कॉरिडोर में इसका जो विरोध कर रहे थे वो सारे सांसदों को कहा था कि एक बार ओपन फोरम में मीडिया के सामने चर्चा के लिए आप आइए, अगर हाँ बोलते तो आज वो भी वक्ता होते, मगर इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इसमें किसी को इस तैयारी भी नहीं है। और अब ये कानून आने के बाद ट्रिपल तलाक आज कानून के बाद गैर कानूनी हो गया है, तलाकुल बिद्दत मतलब एक साथ ट्रिपल तलाक कहने का जो अधिकार था वो मुस्लिम पुरुषों से ले लिया गया है, महिलाओं को संरक्षित किया गया है लिखित मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी भी तरीके से तलाकुल बिद्दत को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और अब इसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान किया है, आरोपी व्यक्ति के गिरफ्तारी के बाद तब तक जमानत नहीं मिलेगी जब तक वो महिला का पक्ष कोर्ट सुन नहीं लेती है। एम्पावरमेंट किया है, मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के कानून के बाद भी लगभग 345 महिलाओं ने मुझे ट्रिपल तलाक किया ऐसी कंप्लेन की थी बिल के आने के बीच में, परंतु ये तो बहुत कम आंकड़ा है, बहुत सारी बहनें बिचारी यहां पर भारत सरकार तक पहुंच नहीं सकती। तो भारत सरकार जो कंप्लेन मिली मैं उसकी बात करता हूं। एक सर्वे किया गया था भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन करके एक एनजीओ है उसने एक सर्वे किया था 2015 में, इनका एक तारण है, इनका एक एसेसमेंट उन्होंने जो निकाला वो ये है कि 92.1% मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक से मुक्ति चाहती है। समाज की 92% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने माताओं ने ट्रिपल तलाक को निकालने के लिए बात करी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट भी हूं और मुझे गौरव भी होता है कि जब ट्रिपल तलाक का बिल पारित हुआ, क्योंकि उन लोगों ने डिवीजन मांगा था, मेरा भी एक वोट ये पवित्र कार्य के अंदर मैंने दिया है और मैं ट्रिपल तलाक को एबोलिश करने वाले कानून का मैं हिस्सा हूं, इसका मुझे गौरव है। ये कानून अब किसी भी तरह से नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने चित्र विचित्र प्रकार के भाषण किए थे, मगर मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति में 3 नासूर ने लोकतंत्र के सारे प्लस पॉइंटों को एक साइड पर रखकर लोकतंत्र के ऊपर शंकाओं का वातावरण खड़ा कर दिया था। 2014 के पहले देश की जनता में इस प्रकार का एक विचार का औथार खड़ा हुआ था कि लोकतंत्र मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा भला कर सकती या नहीं कर सकती, ये समाज को सही रास्ते पे ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, 7 शर्त में हमारे समाज को सर्वधर्म संभाव की दिशा में ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, 7 शर्त में सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास हर नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस शंका का वातावरण बनने का कारण हमारा संविधान नहीं था। 60 के दशक के बाद कुछ दूषण देश की राजनीति में आए, सबसे पहला परिवारवाद, दूसरा जातिवाद और तीसरा तुष्टिकरण वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये तीनों दूषण ने हमारी लोकतंत्र के गाड़ी को डिरेल करने का काम किया था। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे नेता नरेंद्र मोदी ने एक रिफॉर्मर के नाते परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त करने का काम किया। और आज मैं मोदी जी का लाल किले की प्राचीर से देश की मुस्लिम माताओं को बहनों को जो संबोधन किया था वे मैं रिपीट करना चाहता हूं। मैं मुस्लिम बहनों और बेटियों को भरोसा देता हूं
कि उनके अधिकार को हम सुरक्षित रखेंगे। सरकार उन्हें सुरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं भरोसा देता हूं, मैं उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करूंगा और त्रिपल तलाक को समाप्त करूंगा। और 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, वो आज एक ऐतिहासिक सत्य बनकर हमारे सामाजिक जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक सुधार होकर दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया इसको बहुत रसप्रद तरीके से देख रही है। मेरे ईमेल पर कई सारे लोगों के मेल आए कि हमें बिल की कॉपी भेजिए, रूल्स बन जाए तो इसकी कॉपी भेजिए। बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र किस तरह से धीरे 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 सही पटरी पर चढ़ रहा है, किस तरह से बदलाव का आकार ले रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, इस देश में समाज सुधार की कभी कमी नहीं रही। ढेर सारे लोगों ने अनेक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए अपने आप को पूरा जीवन खपा दिया और तब जाकर आज हमारा समाज एक मुक्त समाज बना है, हमारा समाज स्वतंत्र सोच का समाज बना है, हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज बना है। कई सारे रिफॉर्मर्स ने, कई सारे समाज सुधारक, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो या सामाजिक क्षेत्र में, सबने अपने अपने योगदान देते देते इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो राजा राममोहन राय हो, चाहे महात्मा गांधी हो, ज्योतिबा फुले हो, चाहे वीर सावरकर हो, गुजरात के नर्मद हो जिन्होंने विधवा विवाह के पर बहुत बड़ा काम किया, स्वयं विधवा से विवाह करने का साहस उस वक्त ब्राह्मण होते हुए किया। ढेर सारे समाज सुधारकों ने समाज की अनेक कुप्रथाओं, चाहे अस्पृश्यता की हो, चाहे बाल विवाह की हो, चाहे दहेज की हो, चाहे महिला उत्पीड़न की हो, चाहे मंदिर के अंदर दलितों के प्रवेश की हो, ढेर सारी प्रथाओं को, बहुपत्नीत्व की प्रथा हो, ये सबको निर्मूल करने में समाज सुधारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इस समाज सुधारकों की सूची में ट्रिपल तलाक को एबोलिश करने के बाद आया। जब देश आजाद नहीं था तो उन्होंने सामाजिक जागृति कर समाज के अंदर सुधार का प्रयोग किया, प्रयास किया। वीर सावरकर, महात्मा गांधी, उन्होंने अस्पृश्यता के लिए कठोर फैसले लिए। ज्योतिबा फुले, दलितों के, पिछड़ों के अधिकार के लिए पूरा जीवन लड़ाई लड़े। आंबेडकर जी, जब संविधान बनाने का उनको मौका मिला, उन्होंने सारे वर्गों का उत्थान कैसे हो इसके लिए पूरा योगदान दिया। राजा राममोहन राय ने सामाजिक जागृति फैलाकर, नरबन ने सामाजिक जागृति फैलाकर ढेर सारी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और नरेंद्र भाई भी जब प्रधानमंत्री बने, संसद की शक्ति का उपयोग कर एक बहुत बड़ी कुप्रथा को, एक कलंक को देश के अंदर से समाप्त करने का काम किया। और मैं मानता हूं कि यात्रा यहां से रुकनी नहीं चाहिए। ये देश तुष्टिकरण के आधार पर नहीं चलना चाहिए, ये देश जातिवाद के आधार पर नहीं चलना चाहिए, ये देश परिवारवाद के आधार पर नहीं चलना चाहिए, ये देश क्षमताओं के आधार पर चलना चाहिए। जिसके अंदर क्षमता पड़ी है उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और उसको देश का भला करने का मौका मिलना चाहिए। और देश ऐसे चलना चाहिए जो पीड़ित है, जिसके अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके हमारे संविधान के तहत संरक्षण मिलना चाहिए। और आज करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को हमारे संविधान के तहत संरक्षण देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए मैं इस मंच पर से श्री नरेंद्र मोदी को लाखों लाखों बधाइयां और साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ 3 बार बिल को वापिस लेना पड़ा, बिल गिर गया, फिर भी धीरज गवाए बगैर धीरे 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 करकर कछुए की गति से ये बिल को पारित करकर आज कानून में परिवर्तित करकर मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देना है, अधिकार देने का काम किया है। और मैं देश के करोड़ों नागरिकों को भी कहना चाहता हूं कि आपका एक वोट देश का भविष्य बनाता है। किसी भावावेश के अंदर किसी जाति को देखकर कोई कम सोच के कारण हमें ये मिल लिए तो इसको वोट दे दे, इस तरह से वोट मत दीजिए।
वोट उसी पार्टी को देना चाहिए, वोट उसी नेताओं को देना चाहिए, उसी नेता को देना चाहिए जो देश को एक प्रोग्रेसिव रास्ते पर, प्रगतिशील रास्ते पर आगे ले जाए और देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने की क्षमता रखता हो, इसी के लिए और ये लोकतंत्र की ही देन है कि आजादी से आज तक एक कुप्रथा का अंत नहीं होता था। देश की 125 करोड़ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अधिकार दिया, पूर्ण अधिकार दिया दोनों सदनों के अंदर। इसका परिणाम है कि आज एक कुप्रथा समाप्त हो गई है और मैं आज इस मंच से देश की करोड़ों मुस्लिम माताओं और बहनों को भी इतने सालों तक आप लोगों को जो तकलीफ सहनी पड़ी इसका एक नागरिक के नाते क्षमा मांगकर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका आगे का जीवन बहुत शुभ होने वाला है। आपको भी अधिकार है अपने अस्तित्व को जताने का, आपको भी अधिकार है अपने अस्तित्व का पहचान रखने का, आपको भी अधिकार है अदालत के अंदर जाकर कोई आपके साथ अन्याय करता है इसके सामने खड़े रहने का, आपको भी अधिकार है आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने का। और ये अधिकार मैं मानता हूं ये ट्रिपल तलाक विधेयक ने दिया है। मैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान को भी बधाई देकर मेरी बात पूर्ण करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मंच दिया मेरे विचार आपके सामने रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।